ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अगली खबर भिलाई से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग स्तर पर शुरू कर दी। टिकट को लेकर अभी बीजेपी कांग्रेस से किसी के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व साडा अध्यक्ष व वैशाली नगर विधानसभा से कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़ चुके बृजमोहन सिंह ने दुर्ग लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। शहर के चारों तरफ वाल राइटिंग के माध्यम से जनता को एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार वे भी कांग्रेस से मैदान में उतरने की तैयारी में है। कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना तय है, इसलिए जिन लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो लोग वो लोग अपने इंटरेस्ट से चुनाव के लिए आवेदन करते हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं भी इस बार चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैंने भी लोकसभा की टिकट के लिए दुर्ग लोकसभा के लिए आवेदन किया हुआ है और उस हिसाब से मैं और मेरे साथी लोग अपने ढंग से चुनाव प्रचार तो नहीं कहना चाहिए, चुनाव प्रचार का जो प्रारंभिक तैयारी है, हर बार पार्टी के नेता लोग तो यही बोलते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दुर्ग लोकसभा से भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी की नई नई सरकार बनी है, तो हो सकता है ज़्यादा वो लोग उत्साह दिखा रहे हैं। हम लोगों का काम, हमारी पार्टी का काम ऑलरेडी समय पर होता रहता है, प्रदेश कांग्रेस की ऑलरेडी बैठक हो चुकी है, जिले में हमारे जो समन्वयक बने हैं वो आके जनसंपर्क करके सब दौरा करके चले भी गए, तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।